धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, गुण निधि की मृत्यु। शास्त्र कहता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाहि। अब गुण निधि के कर्म तो अच्छे नहीं थे, इसलिए अंतिम समय में यमदूत उसे पकड़ करके पकड़ने के लिए आए और गुण निधि को बांधा और बांध करके ले जा रहे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए। पूछा यमदूतों से, क्यों भाई इसको कैसे बांध लिया तुमने? यमदूतों ने कहा, महाराज इसके कर्म अच्छे नहीं है, इसने पाप किया है, शिव मंदिर में भी इसने चोरी की है, अपने पिता को धोखा दिया है, इस कारण ये नरक के योग्य है। यमदूतों ने कहा, भैया इसे तुम छोड़ दो और गुण निधि को बंधन से, यमदूतों के बंधन से मुक्त करा करके शिव के पार्षद अपने साथ कैलाश ले गए। अब गुण निधि तो अनेकों प्रकार का पाप किया है, जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, पाप ही पाप किया। लेकिन उसने एक कर्म अच्छा किया, मेरे भाई बहन, गुण निधि ने भगवान शिव के मंदिर में दीपक नहीं जलाया था, दीपदान नहीं की थी कि चलो भगवान शिव के मंदिर में दीपदान कर ले, नहीं, गुण निधि ने तो क्षुधा को मिटाने के लिए अंधेरे में कैसे वो प्राप्त हो सामग्री, तो इसलिए अंधेरे से प्रकाश के लिए और उन्होंने दीपक जलाया। लेकिन हमारे बाबा कैसे हैं, बोले ना, उसने चोरी के लिए प्रकाश किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने समझ लिया कि हमारे मंदिर में इसने दीपदान की। चाहे कैसे भी करो, भगवान शिव तो ऐसे हैं, घड़ा उतारने के लिए शिवलिंग पे भी पैर रख दे कोई तो उसका भी कल्याण कर दे,
ऐसी अब डरता नहीं। गुण निधि को चेका भैया ये तो शिव मंदिर में दीप दान यमराज ने उसे स्वीकार किए और तत्पश्चात गुरु निधि को लेकर के शिवगढ़ शिवलोक को चल चल भगवान शिव भगवती उमा के साथ कैलाश पर विराजमान थे। उसे अपने सामने आए हुए देख करके जैसे ही गुरु निधि ने भगवान शिव को देखा चरणों में साष्टांग प्रणाम और वंदन किया। भगवान शिव ने कहा वत्स जरा ध्यान से कथा श्रवण करेंगे आप। अनजाने के भी कर्म का फल भगवान शिव क्या देते हैं? बस तुमने मेरे मंदिर में दीप दान किया है इसलिए मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। गए चोरी करने गुरु निधि लेकिन भगवान शिव ने कहा तुमने मेरे मंदिर में प्रकाश किया है तुमने मेरे मंदिर में दीप दान की है इसलिए मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। भगवान ने वही गुरु निधि कलिंग देश के राजा अरिमर्दन और उनके पुत्र हुआ दम जिन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा दिए कि जो शिव मंदिर में दीपक नहीं जलाएगा दीपदान नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। हमारे राज्य में रहने वाले हर प्रजा का ये कर्तव्य है अब सौंप दिया इस जीवन का अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे तुम्हारे हाथों में मेरा निश्चय बस एक यही। भगवान शिव
मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। दामनी ये घोषणा कर दी, क्योंकि गुणनिधि की कथा दमने अपने पिता अरिमर्दन से श्रवण किया कि शिव इतनी दयालु, इतनी कृपालु, और अरिमर्दन ने घोषणा करवा दी पूरी राज्य कि मेरे राज्य में हर व्यक्ति शिव मंदिर में दीपक जलाएगा। हर व्यक्ति शिव मंदिर में दीपदान का बड़ा महत्व है। वैसे तो देवालय में हर सेवा का महत्व है, लेकिन हम लोग को शर्म आती है, सफाई के जगह और गंदगी कर देते हैं। देवालय को कभी गंदा नहीं करना, ध्यान रखना। जहां तक हो हमारे ये भाव रख करके कि हमारे प्रभु इधर से निकलेंगे तो ये गंदगी रहेगा, तो कैसे निकलेंगे। इसलिए ये रास्ता मुझे साफ करना है, क्योंकि ये इस रास्ते से मेरे प्रभु निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये मंदिर मुझे साफ करना है, क्योंकि इसमें मेरे ठाकुर जी निवास करते हैं। हमेशा ध्यान रखो। लेकिन लोग बात करते क्या, भोग लगाया और हनुमान जी के मुंह में ठूस दी, बर्फी तोड़ी ठूस दी। अब वो बेचारे कीड़े मकोड़े उस हनुमान जी के मुंह पे लटकते रहते, बहुत बड़ा दोष है। शिवा का भगवान की मंदिर की सेवा करो, भगवान के। और मैं तो कहता हूं जो भी तुम्हें ठाकुर जी का सेवा मिल जाए, यही नहीं केवल मंदिर ही नहीं, अपने घर को भी ठाकुर जी का मंदिर समझ करके, भोलेनाथ की मंदिर समझ करके, और अपने घर की भी सफाई करो, अपने घर की भी सेवा करो। लेकिन सेवा होता नहीं, मोटे हो गए, झाड़ू लगती नहीं है, पोछा लगती नहीं है, नौकर से करवाए। अरे बर्तन मलने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, कपड़े धोने वाली,
भोजन बनाने वाले बने बनाए सब बाजार से आ जाते हैं राशन पानी। तो बताओ मोटे नहीं होगे तो क्या होगे? अब मोटे होगे तो बीमारी नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? क्योंकि आज मेहनत करना जानते ही नहीं। दम ने भगवान शिव के मंदिर में प्रकाश करने का दीपक जलाने की उसने घोषणा की। और वही दम जब एक रोज कैलाश पे गया भगवान शिव कैलाश पर उमा के साथ विराजमान था। जब कुबेर बन गया तो कैलाश पे कुबेर जी गए धनपन भगवान शिव के दर्शन के लिए। उमा बगल में विराजमान भगवती उमा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, उस कुबेर ने देखा तिरछी आंखों से देखने लगा क्या हा हा हा। भगवान शिव के जो बगल में बैठी है ये कितनी सुंदर है, इसने कौन सी तप की है, कौन सी पूजा की है, कौन सी पाठ की है, कौन सी जप की है, जिसके कारण ये भगवान शिव के बगल में बैठने के योग्य बने। इसने क्या किया? भगवती ने देखा वो बार बार ऐसे तिरछी नेत्रों से देख रहा था कुबेर। लेकिन कुबेर तो ये देख रहा है देखो ये कितनी सुंदर है, कैसी तपस्या की है इसे, जो कि भगवान शिव के बगल में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन उमा ने देखा कि कुबेर ये तिरछी नजरों से मुझे देख रहा है। तुरंत उन्हें श्राप दे दिया, तेरे आंख एक आंख टूट जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ये तुमने क्या किया? अरे ये तो तुम्हारा बालक है, तुम्हारा पुत्र है, तुमने एक आंख फूटने का श्राप दे दिया। अरे ये तो देख रहा था कि ये कितनी भगवती कितनी सुंदर परम्परा, इसे कौन सी तप की है, कौन सी भजन की है, कौन सी पूजा की है, कौन सी दान की है, कौन सी पाठ किया, कौन सा ऐसा सत्कर्म की है जो भगवान शिव के बगल में बैठने के योग्य बनी। ये तो ये सोच रहा था और आपने श्राप दे दिया। भगवान शिव ने कहा कुबेर मैं तुम्हें धनपति बनाता हूं, तुम यक्षों का राजा बनोगे। और तुम मेरे मित्र होगे,
से तुम कैलाश पर निवास करो। ऐसा उदार ऐसे कृपालु ऐसे शिव जैसे भगवान भोलेनाथ आशुतोष महादेव जैसे जो करुणा के भंडार है जो कृपा के सागर है उसको अपना मित्र कुबेर को बना लिया। भगवान शिव उमा को साथ लिए वहां से कैलाश नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आपके श्रीमुख से मंगलकारी व अमृतमय शिव कथा सुन करके मुझ में उनके विषय में अधिक जानने की लालसा जागृत हो। भगवान शिव के बारे में मुझे बताइए, सती के विषय में मैं जानना चाहता हूं, आप कृपा करके अनुग्रह करके आप इस कथा को श्रवण करें। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद एक बार कुंभ ऋषि ऋषि अगस्त के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए संग सत जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ही मुनि
सती भगवान शिव के साथ अगस्त जी के आश्रम में पधारे। ऋषि ने प्रभु को देखा, भगवान शिव को देख करके तुरंत अर्घपाद्य से पूजा की। सती ने इस दृश्य को देखा। सती उस समय तो कुछ नहीं कही, दोनों ने बैठ करके राम कथा श्रवण। मेरे भाई ध्यान देना, इसीलिए बार बार कथा में कहा जाता है सावधान तया सुनु। राजा परीक्षित को भी सुखदेव जी ने कहे सावधान तया सुनु, हे राजन सावधान होकर के कथा श्रवण करो। भगवती शबरी माता को भी भगवान राम ने कहा है सावधान सुन धर्मन वाहे। हे देवी सावधान होकर के कथा सुनो। रोड किनारे लिखा होता ना, सावधानी हटी और दुर्घटना। जैसे ही सावधानी हटेगी माया तुरंत पकड़ लेगा, और कथा श्रवण करने से तुम्हें वंचित कर देगा। इसलिए सावधान होकर के आनंद को त्याग के प्रमाद को त्याग के और कथा श्रवण। क्योंकि चंचलत्वात् हि मनः कृष्ण ये माने। ये केशव ये मन बड़ा चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं। बहुत बलवान है प्राय कथा में और भजन में तो टिकते ही नहीं। कथा में बैठेंगे तो चार बार तो हाथ पैर को यो यो करेंगे, फिर आने जाने वाले को देखेंगे ये कैसी श्रृंगार करके आई है, कैसे कपड़े पहन के आई है। भाई लोग को थोड़ा कम भी देखते हैं, लेकिन माताएं बुरा बता, लेकिन माताएं जरूर देखेगी लिपस्टिक कैसे लगाई है। और जरा कोई बंधन के आया है देखो, बड़े बंधन करके आई है, अपने आप को दिखा रही है। ध्यान कथा भी है, ध्यान कहां है आने जाने वाले। अरे भाई कौन क्या पहन करके आया है, कौन पहन करके नहीं आया है, कौन कैसा श्रृंगार किया है, कौन नहीं किया, इसे क्या लेना देना। तुम कथा श्रवण करने आए हो या यही देखने आए हो। कथा श्रवण करो, अगर कथा श्रवण करने के लिए आए हो। लेकिन नहीं,
और किसी ने अगर नहीं देखा हो तो कथा के बाद जब बैठती माता है ना, तब फिर बहन तूने देखी नहीं वो कैसी आई थी बन करके, नहीं नहीं मैं तो नहीं देखी। अरे वो तुम्हारे बगल में ही तो बैठी थी, फिर भी तुमने भी देखी। अब लो, अरे वो देखी चाहे नहीं देखी तेरे को क्या करना। तन्मय हो करके कथा में हजर बहुत आवश्यकता तन्मयता मेरे भाई बहन। सती कथा सुनने के लिए गई है लेकिन पहला यहां पे मन में दिमाग में संशय आ गया। संशय महादेव है, देवों के देव महादेव है। ऋषि ने पूजा की, जरा गौर से कथा को श्रवण करना मेरे भाई। ऐसा ना हो कि सती वाली हाल कहीं आपको भी हो जाए। कथा प्रारंभ हुआ, दोनों कथा श्रवण की। एक बात और मैं कहता हूं, भगवत कथा जो है जीवन की व्यथा को दूर करता है। जो हमारे जीवन में व्यथा है ना, उस व्यथा को दूर करता है। इसलिए अगर अपने जीवन की व्यथा को दूर करना हो तो भगवत कथा। सती सुनी और भगवान शिव ने भी सुनी। कथा का भोग पड़ा और दोनों वहां से चले ऋषि आश्रम। जब ऋषि आश्रम से जा रहे हैं दोनों तो भगवान शिव ने अचानक दोनों सती माता और भगवान शिव दोनों साथ साथ चले जा रहे हैं तो अचानक क्या हुआ कि भगवान ने जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम। अब यही पे गड़बड़ी हो गई। पार्वती जो सती ने देखा कि प्रणाम कर रहे, किसको प्रणाम कर रहे, इनको देवों के देव महादेव लोग कहते हैं। और मैंने अपने आंखों से देखे हैं ऋषि इनकी चरणों की पूजा की। सती ने पूछा, महाराज प्रभु स्वामी
अभी अभी आपने प्रणाम किए जय सच्चिदानंद कह करके, ये प्रणाम किसको किया? आप तो देवों के देव महादेव हैं, फिर आपने प्रणाम किसको किया? सारी दुनिया आपकी पूजा करती है, आपका वंदन करता है, आपको प्रणमन करता है, लेकिन फिर आपने, और मैंने तो अपनी आंखों से ये देखी है कि ऋषि ने भी आपके चरणों की पूजा की है, आपके स्वागत किए, फिर आपने क्यों प्रणाम किया और किसको किया? भगवान शिव ने कहा, देवी मैंने उस परब्रह्म जो निर्गुण से सगुण रूप धारण करके इस धराधाम पर पृथ्वी पर लीला कर रहे, जो लीला करने के लिए ही अवतरित हुए हैं, सती की सोच में पड़ गई कि कह क्या रहे। ओ ब्रह्म और ये राजकुमार, अब सोचने लगी कि बाबा कहीं भांग वांग तो नहीं छान लिए, लेकिन अभी भांग भी नहीं छाने क्योंकि अभी तो कथा सुन के रहे हैं। फिर इन्होंने राजकुमार को प्रणाम किया तो क्यों किया? भगवान शिव ने कहा, देवी जिसे तू राजकुमार समझ रही है ना, ये राजकुमार नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, मेरे इष्ट देव है, जिनको मैं अपने अंतःकरण में धारण निरंतर किया रहता हूं और जिनके नाम अहर्निश मैं जपता रहता हूं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरी शरणम हरी।
शिष्य देने का महाराज। मैं ऐसे नहीं मानूंगी, जब तक मैं परीक्षा नहीं ले लूंगी तब तक मैं नहीं मानूंगी। भगवान शिव ने कहा ले लो परीक्षा, और शती माता परीक्षा के लिए तैयार हुई है और परीक्षा के लिए चली है, और हम लोग भी आज की कथा का विश्राम, कल पुनः 3 बजे कथा में हम और आप मिलेंगे। आओ शिव नाम लेते हुए पुनः कथा का विश्राम दे। मैं तो जपूं सदा शिव नाम दयालु दया करो, तो जपूं सदा शिव नाम दयालु दया करो। I'm gonna make it.
रमण बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, दुर्गा माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, सर्वसंत हरि भक्तन की, आज के आनंद की, ओम नमः पार्वती पते हर हर। शिव ओंकार प्रभु
देवी देवताय वंदनम हस्तौ प्रक्षाल्य पुष्पम गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिम ओम जतनेन जतनमय जनदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूरभूषाद्याः सन्ति देवा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्ना तन्ते प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् ओम वृषभानुजाय विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधे प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण शिव शंकर श्याम प्रसाद शिवाय नमः दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि भोले भोलेनाथ भगवान की जय श्री महाराज।